तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है 122 के अंदर, जो कि लखनऊ और न्यू दिल्ली के बीच चलती है, जिस ट्रेन का नाम है लखनऊ मेल। यह ट्रेन डेली रन करती है दिल्ली और लखनऊ के बीच में। रात को 10 बजे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद आप लोगों को सुबह 6:30 बजे लखनऊ स्टेशन पर पहुँचा देती है। तो आज अपनी यात्रा होने वाली है स्लीपर क्लास के अंदर। तो दोस्तों, इस ट्रेन की आप लोगों को पूरी जानकारी मिलने वाली है, जो फूड को लेकर हो और इस ट्रेन का टाइम टेबल को लेकर हो, इस ट्रेन का किराया वगैरह कितना, मतलब टोटली आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो लास्ट एंड तक जरूर देखना, एंड चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाना। तो दोस्तों, ट्रेन निकलती है प्लेटफॉर्म नंबर 16 से और ये अपना स्लीपर कोच। और स्लीपर कोच की आप लोग हालत देख सकते हो, बिल्कुल फुल हो चुका है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों, प्लेटफॉर्म पर 16 आप लोग देख सकते हो कितना साफ़ सुथरा है, और यहाँ पे ही आपको जन आहार की सुविधा मिल जाएगी खाने पीने को लेकर। बहुत ही ज़्यादा महंगा सामान भी नहीं है, लेकिन एक मिडिल क्लास वाला फैमिली का बंदा इसको अवॉइड वगैरह सब कुछ कर सकता है। तो दोस्तों, आपको मैं लेकर चलता हूँ इस ट्रेन के जनरल कोच के अंदर। तो जनरल कोच की हालत दिखाता हूँ इस ट्रेन की कैसी है, क्योंकि ट्रेन चल रही बिल्कुल फुल। तो दोस्तों, देख सकते हो जनरल कोच बिल्कुल मजाकस भरे पड़े हैं सारे भाई, बैठने तक की भी जगह नहीं है इस ट्रेन के अंदर। लोग फ्री भी ट्रैवल कर रहे हैं। यह है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे के अंदर जब से LHB कोच स्टार्ट हुए हैं, तो LHB कोच के अंदर क्या कर दिया कि जनरल के कोच को थोड़ा कम कर दिया गया। ICF के अंदर कम से कम 4 से 5 कोच होते थे, लेकिन इसके अंदर ओनली 3 से 4 ही कोच कर दिए गए हैं। कोई नहीं एडजस्ट करेंगे ऊपर वाली सीट। दोस्तों, आप लोग टाइम देख सकते हो, टाइम हो रहा बिल्कुल 10 बज रहे हैं और ट्रेन को दिल्ली से रवाना कर दिया गया। तो हमारे सामने खड़ी है नई दिल्ली और प्रयागराज के बीच में चलने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस। बहुत जल्द उस ट्रेन के अंदर भी सफ़र होगा, लेकिन फिलहाल अपनी ट्रेन का डिपार्ट। दोस्तों, मॉनसून के अंदर आप यमुना नदी का बहाव देख सकते हो, सच में बहुत ही ज़्यादा हो रखा है। मतलब दिल्ली के अंदर भी इस यमुना नदी का पानी बिल्कुल एंट्री हो चुका है। ये जो आप वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देख रहे हो, ये है न्यू दिल्ली वाराणसी के बीच में चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। इस ट्रेन के अंदर मैं ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका हूँ, कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक है, जाके आप लोग एंजॉय कर सकते हो इस वीडियो का। दोस्तों, मुझे लगता है भी हमारी ट्रेन की रेस होने वाली है भाई।
तो ये दिल्ली से प्रयागराज के बीच में चलने वाली ट्रेन बिल्कुल हमारे पीछे पीछे आ गई है, साथ साथ 5 से 10 मिनट हमारे से पीछे निकलती, लेकिन इस ट्रेन ये ट्रेन हमारी ट्रेन को ओवरटेक कर रही है। भाई देख लो यार, ऐसा मत करो भाई, रेलवे जिस ट्रेन को पहले चला जा रहा है उस ट्रेन को चलाओ यार। गाज़ियाबाद से अपनी ट्रेन निकलती है और इस ट्रेन को भी साथ ही चला दिया गया है प्रयागराज को, लेकिन इसका रूट अलग होगा और हमारा रूट अलग होगा। हमारी ट्रेन निकल जाएगी बरेली साइड में, हापुड़ होते हुए बरेली। दोस्तों अभी रात के बज रहे हैं 11 और अभी ट्रेन अपनी गाज़ियाबाद से निकली है, अब हापुड़ के रास्ते बरेली होते हुए अपनी ट्रेन लखनऊ पहुँचेगी। देखते हैं अब मेरी आँख कब खुलती है, मुझे तो आ रही बहुत ज़्यादा तेज़ नींद, तो जैसे मेरी आँख खुलेगी कौन से स्टेशन पर खुलेगी मैं आप लोगों को दिखाई दूंगा। तो गुड नाइट अभी के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे 6:30 और मेरी रात को आँख लग जाने के कारण मैं रात की कुछ भी वीडियो कैप्चर नहीं कर पाया, उस चीज़ के लिए बहुत सॉरी, क्योंकि मेरी हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी जिसके कारण मैं ओनली नींद ही नींद ले रहा था, तो उस चीज़ के लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन रात को जो जो स्टेशन आए उन सभी स्टेशनों के मैं आपको नाम बता देता हूँ। हापुड़ मुरादाबाद बरेली हरदोई से निकलने के बाद अब हमारी ट्रेन आ चुकी है आलमनगर, जहाँ पे इस ट्रेन का जो टाइमिंग है वो है 6:15 का, और टोटल यह ट्रेन जो डिस्टेंस कवर करती है 490 किलोमीटर की दूरी को यह ट्रेन 9 घंटे के अंदर कवर कर लेती है दिल्ली से लखनऊ के बीच में। लेकिन इसके अलावा और भी ट्रेन है जो नई दिल्ली और लखनऊ के बीच में चलती है, जैसे एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो कि 6 से 7 घंटे के अराउंड निकाल देती है। अब बात कर लेते हैं इस ट्रेन की किराया कॉस्टिंग क्या कुछ होने वाली है, तो उस चीज़ के बारे में आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। अगर आप स्लीपर के अंदर ट्रैवल करना चाहते हो तो इस ट्रेन का किराया 325 रुपये, यह किराया मैं आपको बता रहा हूँ कम्प्लीटली न्यू दिल्ली से लेकर लखनऊ तक। अगर आप 3rd AC के अंदर ट्रैवल करना चाहते हो तो 835 रुपये, अगर आप 2nd AC के अंदर करना चाहते हो तो 1170 रुपये, अगर आप 1st AC के अंदर ट्रैवल करना चाहते हो तो 1960 रुपये। इसके अंदर 1st AC भी है, इस चीज़ का थोड़ा ज़रूर ध्यान रखिए। और फिलहाल अभी अपनी ट्रेन बिल्कुल लखनऊ के नज़दीक लग चुकी है, लखनऊ आने वाला है, तो आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो कि आपको मैं अगली ट्रेन कौन सी दिखाऊं, जिससे कि मुझे भी आप लोगों की इच्छा पूर्ति करने का एक मौका मिले। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो, अगर वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अभी हम आ चुके हैं लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों लखनऊ जंक्शन NER और NR ये अलग अलग है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, है पास में लेकिन अलग अलग है। लखनऊ पहुंचने का जो समय हमारी ट्रेन का 6:50 का सुबह के, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है लखनऊ, आखिर में यूपी की राजधानी है लखनऊ। तो रात को आपको थोड़ा नज़ारा दिखाता हूँ रात को कैसा दिखता है, तो रात को लखनऊ स्टेशन कुछ इस तरह का नज़ारा दिखता है। मिलते दोस्तों बहुत जल्द एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। जय हिंद।